हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे एक ऐसा स्नैक्स जो कि मेरे घर में हमेशा बनाया जाता है, जिसे हम खाना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 4 टेबल स्पून शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं, 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें डाल देंगे मैदा, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच चीनी। चार बड़े चम्मच ऑयल। अब हम सभी चीज को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे दोनों हाथ से रब करते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स करें, जिससे कि हमारा जो मटरी है वो बहुत ही खास्ता बनेगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और इसका अच्छे से बाइंडिंग भी हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डालने के बाद ही इसका बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। तो अब हमें इसमें और पानी ऐड नहीं करना है। अब हम एक रोलिंग बोर्ड लेंगे और इसका हमें बॉल्स बना के इसे हम रोलिंग पिन से हल्का प्रेस करते हुए इसे बेलेंगे। इसको हमें ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा रखना है, इसको हमें एक जैसा बेलना है। उसके बाद हम इसे फोर्क से प्रेस करेंगे, जिससे कि इसे फ्राई करते टाइम ये फूले नहीं। आप इसका साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा और कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे मटरी को तैयार कर लेंगे। सारे मटरी को मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम चलाएंगे गैस पे पैन, उसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल को हमें हाई फ्लेम पे नहीं गरम करना है, इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करेंगे। अब हम एक एक करके मटरी डाल देंगे, फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है। अब हम इसे फोर्क से पलट लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें कुछ इस तरह का ही कलर चाहिए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से और जो मेरा मटरी है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। देखा ना आपने कितनी जल्दी तैयार हो जाती है, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।